नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध और नारियल की एक बहुत ही अच्छा बंगाली मिठाई, जिसको हम लोग बोलते हैं छापा संदेश, जो बहुत ही आसानी से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग बनाएंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दूध और नारियल की छापा संदेश। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी मिल जाएंगे आप लोगों को। और इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। ये गैस पे मैंने कढ़ाई रखा है, यहाँ पे मैं 1 कप दूध लिया है। दूध थोड़ा गाढ़ा है, इसमें काफी सारा मलाई भी है। मैंने थोड़ा गाढ़ा दूध लिया है क्योंकि ये नारियल के साथ मिलके बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर देगा, इसीलिए। दूध बॉईल होने लगा है, अभी इसमें मैं ग्रेटेड कोकोनट डाल दूंगी। कोई नाप नहीं है, आप लोगों को जितना मतलब पसंद जितना चाहिए, आप लोग जितना नारियल है उसी हिसाब से करना। दूध ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा मिठाई बन जाएगा, छापा संदेश ज़्यादा हो जाएगा। इसमें मैं 2 इलायची को तोड़ के डाल दिया है, बाद में मैं इसको निकाल भी लूँगी क्योंकि जब मैं संदेश बनाऊँगी उस टाइम इसको मैं निकाल लूँगी। नारियल और दूध अच्छी तरह से घुल मिल गया है। अभी इसके मतलब नारियल और दूध के हिसाब से मैं यहाँ पे 1/3 कप चीनी डालूँगी और अभी इसको ऐसी चलाते जाऊँगी जब तक ये दूध सूख ना जाए। बहुत घना हो गया है, देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, हमें इसको पूरा सूखा करना है। धीमी आंच पे इसको पकाते जाना है। देखिए ऐसे ही चलाते जाना है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, हमें और भी इसको थोड़ा ड्राई करना है। देखिए ये पूरा टाइट हो चुका है, ये पूरा टाइट हो चुका है। हम लोग इसको अभी थोड़ा चेक करेंगे कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। देखिए ऐसे, देखिए ये ठीक है, अभी चलिए इसको पका लेते हैं। ये पहले मैंने एक गोला बना लिया, इसको एक मोल्ड में डाल के ऐसे दबा के, फिर एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा लेके इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऐसे करूँगी, ये मिठाई की तरह ऐसे निकल आएगा। ये देखिए निकल आया इस तरह से। हम लोग आप लोगों के पास अगर ऐसा मोल्ड ना हो तो आप लोग इसको ऐसे गोला बना लेना, या बर्फी के जैसा इसको थाली में बिछा के काट लेना, वो भी हो सकता है, या कोई भी शेप आप देख सकते हो। ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं और इसको मैं सर्व भी कर दिया है।